उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना देहात पुलिस और एसओजी टीम ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए हरियाणा से लाई गई अवैध शराब आरोपियों से 130 पेटी अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने इन आरोपियों से दो कार समेत 7 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है। देहात पुलिस और एसओजी टीम को सूचना मिली थी कि NH9 ततारपुर फ्लाईओवर के पास से कार जा रही है, जिस पर भारत सरकार और प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का स्टिकर लग रहा है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोका और कार की चेकिंग तो उसमें 110 पेटी हरियाणा मार्क की अवैध शराब भरी हुई थी, तो वहीं इस कार के साथ दूसरी कार भी चली आ रही थी, जिसके शक होने पर पुलिस ने उसे भी रोका तो उसमें भी 20 पेटी अवैध शराब बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने करीब 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर थाना बाबूगढ़ के कन्या कल्याणपुर के रहने वाले युवक को अवैध शराब देने के लिए आए थे, जो पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और अवैध शराब की डिलीवरी लेने वाले युवक की तलाश में जुट गए, जिसकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। हापुड़ पुलिस निरंतर अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए तैयारी कर रही है, कार्रवाई भी कर रही है, कई कार्रवाई हमने की है। इसी क्रम में एक बढ़िया कार्य हापुड़ देहात पुलिस तथा एसओजी टीम भी उन्होंने मिलकर किया, संयुक्त टीम ने किया, जिसमें हमने 130 हरियाणा मार्ग की अंग्रेजी शराब पकड़ी, 2 गाड़ियाँ पकड़ी और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मेन अभियुक्त सुमित है, 2 ड्राइवर इसमें संभल के हैं जिनके नाम आलम और फहीम है तथा राजीव और जगमीत भी है। बेसिकली इनका काम यह था, जो पंचायती चुनाव आ रहा है प्रस्तावित है 29 को हापुड़ में, उसमें एक व्यक्ति है अजय, जो कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, अजय गिल नाम है इसका, ये जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाला है ऐसा सुनने में आया है, उसी के लिए इसने शराब मंगवाई थी हरियाणा से और उसकी ये बिक्री और ये जो सप्लाई है ये गांव में करता वोट पाने के लिए। फिलहाल अजय फरार है, बाकी 5 लोगों ने गिरफ्तार किया।